तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और फ्रेंड, दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड, दोपहर का समय है, सब कुछ काम करने के बाद में क्या हुआ था कि बेटा गया था मार्केट और उसने देखो कितने अच्छे ये फ्लावर्स लाया था। तो ये जो फ्लावर्स है इसका मुझे नहीं क्या घर के लिए नहीं क्या रंगोली के लिए फ्लावर्स कटिंग करना था और घर के लिए कुछ हार बनाने थे, तो वही मैं बना रही थी। तो हर साल क्या होता है, इस तरह के हम लोग गेंदा के फूल घर पे लेके आते हैं, कभी 1 किलो 1.5 किलो, और अपने हिसाब से ही हार बनाते हैं। और इसमें से जो फूल बच जाते हैं मैं उसकी रंगोली तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कैसा करते हो आप मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस मैं हार रेडी करने के लिए धागा रेडी कर रही थी। तो क्या होता है, अपने हाथ से जो हार बने होते हैं उसका अलग ही मज़ा होता है, अपने हाथ से जो चीज़ें बनी होती है। तो यहाँ पे वही कर रही थी कि हार, जितने हार मेरे घर में लग रहे थे तो उतने हार मैं यहाँ रेडी कर रही थी। और बनाना था मुझे आम के पत्ते भी लेकर आए थे, तो आम के पत्ते का वंदनवार बनाना पड़ता है। तो आम के पत्ते लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ देखिए, बिल्कुल सुई में धागा जा रहा नहीं था तो चश्मा लगाना पड़ा। होली के दिन तो काफ़ी फेस्टिवल रहते हैं, तो खाना भी बहुत सारा बनाना पड़ता है और त्यौहार में काम भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा टाइम मिल रहा था मुझे वैसे मैं बना रही थी। तो यहाँ पे क्या किया था मैंने कि बस 2-3 हार बना लिए थे और रख दिया था, और मैं किचन में चली गई थी कि मैं कुछ देखूँ क्या बनाना है, क्योंकि फेस्टिवल है तो सब कुछ खाना बनाना तो बनता ही है। तो इसलिए मैं यहाँ से ना किचन में चली गई थी थोड़े बहुत हार बना के। तो फ्रेंड्स, क्या कर रही थी मैं कि जब मैं हार बनाने बैठी थी तब मैंने ना पूरन पोली की दाल चढ़ा दी थी कुकर में, और पकने के बाद में उसको मैंने ठंडा करने रख दिया था। तो बस वो पक गई थी, उसके बाद मैंने छन्नी पे उसको पीस लिया था। और यहाँ पे मैं पूरन पोली बना रही थी नैवेद्य के लिए, तो फिर बस थोड़ी सी दाल रखी थी तो ज़्यादा हो गई थी, तो मैं बोली चलो पूरन पोली बना लेते, जितनी बनती है तो खाने भी काम आ जाएंगी। तो त्यौहार में तो मीठा बनता ही बनता है साथ में, लेकिन पूरन पोली बनाना होता है माँ लक्ष्मी को नैवेद्य चढ़ाने के लिए, तो वही मैं यहाँ बना रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, रात में क्या हुआ, बैठे बैठे बस मेहंदी लगाई तो इतना कलर आ गया है मेहंदी का, बहुत ही सुंदर रंग आ गया था। तो यहाँ पे बस पूरन पोड़ी भर ली थी मैंने और बेल कर रेडी कर ली थी, और इधर पे तवा भी रख रही थी मैं। तो अकेले आप रहते हो ना, बहुत घाई गड़बड़ होती है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि दोपहर में ही थोड़ा टाइम मिल रहा था, वैसे हार फूल रेडी कर रही थी, जो भी रंगोली की चीज़ें हैं वो रेडी कर रही थी बनाने के लिए, और बीच बीच में मैं किचन में भी आ रही थी। तो यहाँ पे बेल के रेडी कर रही थी पूरन पोड़ी, और काफ़ी अच्छे से पूरन पोड़ी बेल ना हो रहा था क्योंकि मेरा आटा बहुत सॉफ्ट लगा था। पूरन पोड़ी बनाने के बाद मुझे ना पनीर की सब्ज़ी बनाना था, चावल बनाना था, कढ़ी बनाना था, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा पूरन पोड़ी पहले बना लेते हैं और पूरन पोड़ी बनाने के बाद में ही सब चीज़ें बनाऊंगी मैं। तो पहले मैंने पूरन पोड़ी का ही रेडी किया। तो फ्रेंड्स, दिवाली में आप क्या क्या बनाते हो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और आप दिवाली के दिन आप का क्या क्या काम करते हो, कैसी दिवाली मनाते हो ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप भी आज की दिवाली मना रहे हो क्या? दिवाली ना 2 दिन की आ रही थी, एक तो 31 की और दूसरी 1 तारीख की 1 की, तो हमने दिवाली 31 को ही सेलिब्रेट की। फ्रेंड्स, आपने कब सेलिब्रेट की जब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे बस सीख गए थे ये पूरन पोड़ी, तो घी लगा रही थी, और घी लगाने के बाद पूरन पोड़ी इतनी अच्छी टेस्ट देती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने इसमें जायफल भी डाला था, और देखिए किस तरह से फूल गई है, बहुत ही बढ़िया बनी थी पूरन पोड़ी, यम्मी सी।
तो बस यहाँ पे पूरन पूरी मेरी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने रेडी हो गई थी सब पूरी पूरन पूरी मैंने बना ली थी और उसके बाद मैं बाहर आई थी। तो यहाँ पे देखिए आम के पत्तों का वंदनवार बना रही थी जो कि लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है लक्ष्मी पूजन के दिन, तो आप भी लगाते हुए ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ हार पूरे रेडी हो गए थे और बस इसी तरह मेरा काम चल रहा था कि थोड़ा खाना भी बना रही थी और बाहर भी आ रही थी ताकि मेरे पैर को रिलैक्स मिले, क्योंकि कंटिन्यू अपना खड़े रहते हो दो दो तीन तीन घंटा तो पैर में काफ़ी दर्द होता है, इसीलिए मैं ऐसे ही कर रही थी। किचन में आ गई थी मैं और यहाँ पे देखिए पनीर का मसाला पीस लिया था और अच्छे से भूनने के बाद पनीर मिला लिए थे और साथ में इधर मेरी कढ़ी भी रेडी हो रही थी, तो दोनों चीज़ रेडी हो रही थी। और यहाँ कढ़ी में डाल रही थी धनिया पत्ता काट के और इस साइड में मेरा पनीर हो रहा था, तो इस तरह ही मेरे काम चल रहे थे। और मुझे पूजा की भी तैयारी करना था बीच बीच में, क्योंकि पूजा का पूरा सामान आ चुका था तो मुझे पूजा का पूजा की भी जो जगह है वो रेडी करना था। तो वही मैं बस ये दोनों चीज़ें होने के बाद मैं उधर भी चली गई कि पूजा का सामग्री मुझे पूरी एकत्रित करना था अच्छे से, ताकि समय पे ये ढूंढना ना पड़े। क्या होता है कि हम लोग करते नहीं हैं ना फिर, तो समय पर हमको फिर पूजा करने जब जाते हैं तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है कहाँ कौन सी चीज़ रखी है। थोड़ा बहुत जो सामान था पूजा का एकत्रित किया मैंने, एक जगह पर रखा ताकि बाद में तकलीफ ना हो। फिर क्या होता है कि हम पूजा करते हैं ना तो सामान ढूंढना पड़ता है कि हाँ वहाँ, तो मैंने सारा चीज़ एक जगह कर दिया था। उसके बाद ना शाम की 5:30-6 बजे को आ रहे थे तो मुझे डालना था रंगोली, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया था कि मैंने बाहर रंगोली डाली थी पर उसका वीडियो नहीं ले पाई, हर जगह हम लोग नहीं शूट कर पाते हैं। तो यहाँ पे नहीं क्या ये मेरा जो गमले रखे ना गमले के पास ये वाली फ्लावर वाली रंगोली डाल रही थी मैं, तो फिर यहाँ पे डालने के बाद मुझे ऊपर भी जाना था जो मेरा नया कमरा बना है ऊपर में नया रूम, वहाँ उसके सामने भी डालना था मुझे। तो अभी मैं तो यहाँ पे डाल रही थी रंगोली, तो देखिए फ्लावर की रंगोली ना देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और जल्दी भी बन जाती है रंगोली की अपेक्षा, तो आप बताना पूरी होने के बाद कैसी लग रही है रंगोली। तो बनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया था ये रंगोली का फ्लावर वाली का। अब मैं चली गई थी ऊपर और ऊपर की भी मुझे रंगोली बनाना था, तो ऊपर में भी मैंने क्या किया कि फ्लावर वाली रंगोली बनाई हूँ। ये जो गेंदे के फूल रहते हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और खूबसूरत तो रहते हैं, और इसमें दो कलर आते हैं येलो और ऑरेंज, और कुछ मैंने पत्तियाँ ली थी उससे ही मैं ये रंगोली रेडी कर रही थी। यहाँ पे देखिए तो मैंने सब कुछ अपना सामान लेके गया और थोड़ा बहुत बेटे की भी हेल्प ले रही थी कि मैं उधर मेरे बाजू ही बैठा था वो, तो मैंने बोला कि आप मुझे पत्तियाँ तोड़ तोड़ के दो बड़ी वाली, तो देखिए वो भी मेरी हेल्प कर ही रहा था। तो यहाँ पे कुछ इस तरह मैंने ये रंगोली रेडी की, तो आप बताना ये रंगोली कैसे लग रही है। और रंगोली की अपेक्षा क्या होता है कि ये जो फ्लावर की रंगोली है आपकी जल्दी बन जाती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है दिया रखने के बाद। जैसे ही ऊपर की रंगोली फिनिश हुई मैं जल्दी से नीचे गई और मेरा पूजा का जो भी था मैंने सब कुछ रेडी कर लिया। उसके बाद मुझे कपड़े करना था चेंज, क्योंकि अब मुझे पूजा करना था यहाँ पे और बहुत शाम हो गई थी 7 बज गए थे, तो मैंने दीपक वगैरह सब जला दिए थे मंदिर के भी और अपने पूजा के स्थान के, और सब कुछ रेडी करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े चेंज करने और मैं कुछ इस तरह रेडी हुई। फैमिली पूजा और टाइम हो गया है पूजा का, और यहाँ देखिए थोड़ा गजरा भी लगा लिया हूँ और फूल भी लगा ली हूँ, और कैसी मैं रेडी हो गई हूँ, अकेली मैं रेडी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए फिर पूजा करते और बताती हूँ कैसे कैसे मैंने पूजा की। और बेटे गया है फटाका लाने, वो आने के बाद वो भी रेडी हो जाएगा, मैं रेडी हो गई क्योंकि मुझे पूजा करना है। तो यहाँ पे पूजा कर ली थी फ्रेंड्स, आरती कर ली थी, ज़्यादा तो वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम दोनों ही पूजा कर रहे थे तो कौन करेगा शूट। तो बस पूजा करने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ था कि प्रसाद बांटना था मुझे, और यहाँ पे बेटे ने फटाके भी लाया था, वो बेटे ने बहुत सारे फटाके लाया था, कुछ न्यू थे इसमें चक्री थी और भी काफ़ी सारे फटाके लाए थे, तो खूब प्यारे प्यारे फटाके थे और ये अनार देखिए काफ़ी बड़े थे।
और ये दो जो बाजू में रखे आकाश दिया थे, काफ़ी सारे पटाखे लाए थे मेरे बेटे ने, तो वही मैं आपको दिखा रही है। देख लिए आकाश दिया जो ऊपर में उड़ता है जलाने के बाद में, तो वो भी लाया था उसने, और ये सब चीज़ें लाई थी, देख लीजिए आप भी। तो आप लोग के भी यहाँ, मेरे बेटे को फटाके का बहुत शौक है, वो ज़्यादा फोड़ता तो नहीं है, दूसरों को बोलता है फोड़ फोड़, पर फिर भी वो लेके सब कुछ आता है। और मैंने भी कुछ फटाके यहाँ पे इंजॉय किए, उसने भी कुछ इंजॉय किए। दो माचिस ले, उसको जलने दे, और वो बाती को जलने को टाइम लगती है। दूर मत लेके जा, हाँ आराम से आराम से, अरे आराम से। ये बड़ा शॉर्ट वाला फटाका लगाए थे, काफ़ी अच्छा साउंड दे रहा था और ऊपर बहुत ही अच्छी रोशनी दे रहा था, और यहाँ पे मैं जला रही थी अनार। तो देखिए साल में एक बार दिवाली आती है, तो हमें तो अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। सुख दुख तो सबको लगे रहते हैं, भगवान ने सुख के बाद दुख ही दिया है, दुख के बाद सुख ही दिया है, तो बस यहाँ पर मैं इंजॉय करने की कोशिश करती हूँ और बेटे को खुश करने की कोशिश करती हूँ कि भाई नहीं दोनों ही हैं तो क्या हुआ, दिवाली अच्छे से ही मनाएंगे। हर फुलझड़िया छोटे बम तो जला लेती हूँ, पर रॉकेट का मुझे बहुत डर था, मुझे बहुत फोर्स किया मम्मी एक जला, मैं बोली नहीं मुझे डर लग रहा, तो फिर उसने जलाया, क्योंकि ये जो रॉकेट होता ना एक तो सीधा घुस जाता है, या फिर साड़ी वाड़ी में जाने का बहुत डर लगता है मेरे को, इसीलिए ना मैं जलाती नहीं हूँ। तो यहाँ बेटा ही जला रहा था। ये देखिए आकाश कंदील, जो आकाश दिया बोलते हैं, वो छोड़ना था ऊपर, तो बिल्कुल कोई नहीं था, तो बाजू वाली जो लड़की है हमारी मन्नू, उसकी मैंने हेल्प ली, और बस हम लोग ने यहाँ पकड़ा था, और भूषण ने नीचे जलाया था उसको, और उसके बाद देखिए ये पूरी तरह फूकता है धीरे धीरे गर्म होने के बाद, उसके बाद ही इसको छोड़ा जाता है। तो देखिए मैंने छोड़ दिया था, लेकिन काफ़ी डेंजर रहा ये, छोड़ने के बाद देखिए कि ये क्या हुआ कि ऐसे उड़ते उड़ते ना जो हमारे घर के सामने का ये है खंबा, वायरिंग है, वहीं जाके चिपक गया था, तो बहुत अफरा तफरी हो गई थी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसको ना मैदान में जलाइए, फिर वहां से निकाल के देखिए लकड़ी से फिर वो जाने लगा, तो कुछ इस तरह। तो इस बार का जो कंदील है ये आकाश दिया ये बिल्कुल अच्छी तरह से जल गया था, और जल्दी जलने के बाद में देखिए मेरे बेटे ने इसको छोड़ दिया था, और कितना खूबसूरत लग रहा था ये, इसकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती। जब ये आकाश में गया ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाके तारा बन जाएगा, बट ये जल रहा था और ऊपर ऊपर सीधा सीधा गया, और फिर जाके कहीं और जाके ये गिर गया। जब तक ये ऊपर तक जलता है तब तक ये उड़ते रहता है, उसके बाद ये नीचे गिर जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लुक दे रहा था ये, तो काफ़ी अच्छा इंजॉय किया माँ बेटे ने मिलकर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स, दिवाली का, तो किस तरह मैंने अपनी दिवाली मनाई अपने बेटे के साथ मिलकर, तो मैंने आप
वो शेयर किया। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल मेरे चैनल लाइफ जर्नी विद एमडी को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करके हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखना। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं गई थी किचन में, और क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 9:30 बज गए थे, इसके बाद मैं कहाँ गई कि किचन में गई और मैंने जो मेरी रोटी बनाने की थी भजिए वो बनाए। किचन में जाने के बाद जल्दी से मैंने रोटी और भजिए तैयार किए और थाली लगाई, मैं जो भोग की थाली भी लगानी थी और बेटे को भी खाना देना था, तो कुछ इस तरह मेरी दिवाली स्पेशल थाली रही। और बस, आपकी दिवाली कैसी रही ज़रूर मुझे बताना, आपने क्या क्या बनाया ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स कमेंट करके। तो कुछ इस तरह मैंने मिलकर अपने बच्चों के साथ में दिवाली मनाई, अपने बेटे के साथ दिवाली मनाई, और आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो फिर से एक बार सभी मेरे फैमिली और यूट्यूब फैमिली को और फ्रेंड्स को विश यू वेरी हैप्पी हैप्पी दिवाली। और माँ लक्ष्मी और गणपति बाप्पा आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ऐसी मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ। सबके घर में धन धान्य की समृद्धि बरकत हो। बस इसी के साथ ही अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।